ग्याला मेरा परिवार अनाथ आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़ी श्रद्धा व प्रेम से किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मंगल आरती करके प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर प्रसाद ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाया। मेरा परिवार अनाथ आश्रम ग्याला की तरफ से श्री प्रियंका बाबा जी के मुकाबले से जो भागवत कथा हुई है, ये 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आज सुबह हवन किया गया, अब भंडारे का आयोजन किया गया। ये भागवत कथा हर साल श्री पिंका बाबा जी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि आज से कोई 10-12 साल पहले यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की थी और उसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पे भागवत कथा की है। श्री पिंका बाबा जी ने झाले में एक अनाथ आश्रम खोला हुआ है, ये भागवत कथा उसके लिए आयोजन की गई है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत हो रहा है बच्चों का। तो मैं पठानकोट के धर्म प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ, कभी भी मौका मिले तो ग्याला में अनाथ आश्रम में जाके देखिए बच्चों की कैसे अच्छी तरह पढ़े। ये भागवत कथा के सुनने से ही हमारे कई पाप दूर हो जाते हैं, कई दुख दूर हो। मैं एक बार फिर श्री प्रियंका बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर साल लोगों को धार्मिक भावना से जोड़ते हैं। आज लंगर का आयोजन किया गया, लोग लंगर का आनंद उठा रहे हैं। मैं एक बार फिर श्री प्रियंका बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा परिवार अनाथ आश्रम ग्याला नंगलपुर की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा मीरपुर कॉलोनी नजदीक भगत मंदिर के पास करवाई गई थी, जिसमें आए हुए श्री पठानकोट की धार्मिक जनता हमारे ने बहुत ज्यादा इस भागवत में आनंद लिया, बहुत सहयोग किया और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज उसी श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिन था। आज हमारे बीच में आए हुए श्री विजय पासी जी और आदरणीय श्री राज चंचल जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ, जो समय समय पर आकर मेरा हौसला बढ़ाते हैं और बहुत सारा सहयोग करते हैं। मेरा परिवार अनाथ आश्रम जो कि ग्याला में है और जिसकी देख रेख कर रहे हैं हमारे श्री प्रियंका बाबा जी, और उसके आयोजन में इन्होंने अपने निवास स्थान पर जो कि पिछले 12 साल से भगवत कथा चल रही है उसके आज लास्ट दिन था, और बाद में हवन हुआ और बाद में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि मेरा परिवार अनाथ आश्रम, जिसमें कि बच्चों को अनाथों की तरह नहीं रखा जाता, अपने बच्चों से ज्यादा ये हमारे प्रियंका बाबा जी उनकी देख रेख करती हैं, बढ़िया स्कूलों में उनकी स्टडी करवा रही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।